हाँ गोगा मेडी को देखो मेडिया आ गई करने खास मेडिया आ गई मतलब मेन में मेडिया आ गई ने आ धर्मशाला आई ने रुकन राकन खातर और ओ हटो थे खेलनी है प्रसाद है मियाँ थे लेस को अभी तो मेड़ो ब्रिज है को नहीं जब मैं मेड़ो ब्रिज है सारी की चीज़ें मिल रहे हैं अब देख मार तो सकलियाँ हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़ हो है मतलब मेड़ो ब्रिज है बैठा मार तो सकल बुंडी सी हो रही है अब मैं तो बताऊँ थाने तो अरे मैं और नरेश भाई हेटा सा गए छोटा मोटा टाबरिया निण लाग रहे हैं देखो आ लग रही है बाकी बोल रहे बिने सिर्फ देखो टाबर हंसन लाग रहा है खेलन लाग रहा है और आ मेन मेडी है मेडी के अंदर मैं एंट्री करूँगा मेन मेडी आ गई हाँ अपने नौ पड़ा है लगभग लगभग 30 किलोमीटर जी पड़ा है नौ तो रामगढ़ू पड़ा है रामगढ़ू कितनी है रामगढ़ू 6 किलोमीटर पड़ा है ठीक है 5-6 किलोमीटर पड़ा है रामगढ़ू और मेन मंदिर गोगा मेडी आ गई मेन अरे कैमल सफारी भी है कैमल सफारी भी है तुम भी बता रही हो राजस्थान देने तो बात बजाता होगा तुम भी बोले तुम भी मैन मंदिर में एंट्री करने लग रहे हैं हमें बहुत ही शानदार जय हो मैं मेरे साथ वीडियो बना दूँ ये मंदिर के मेन गेट से एंट्री होती है यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाता है आप देख सकते हो गोगा जी महाराज इसकी शादी कर दो जल्दी से अंदर वीडियो वैसे तो अलाउड नहीं है बट कोशिश होगी कि आपको दिखाएं यहाँ अभी हम गोगा जी की मेन जो मूर्ति है जो मेन दर्शन है यहाँ होते हैं और यहाँ हम प्रसाद चढ़ाएंगे प्रसाद चढ़ाने के बाद में मेन दर्शन करके हम फेरी लगा के बाहर निकलेंगे नरेश अभी वीडियो बना मैंने प्रसाद दे दिया है प्रसाद हाथ में है मेरे और यहाँ अभी मेन दर्शन हो गए यहाँ अभी लाइन में लगे हुए हैं हम मैं लगा हुआ हूँ और पीछे से नरेश भाई वीडियो बना रहा है और ये मेरा जूमिंग करके इसने लिया है पूरा तो भी कंटिन्यू बने रहिएगा ये पूरा दर्शन है ये यहाँ मतलब जाड़ा लगाया जाता है गोगा जी का पूरा हमने दर्शन मेन मंदिर के दर्शन कर लिए है और दर्शन करने के बाद में हम बाहर निकल चुके हैं बाहर निकलते हैं देखो ये पूरा मंदिर का दृश्य है और नरेश आगे आगे चल रहा है और आगे देखो दो हमें किन्नर मिले हैं इनकी दुआएं बहुत कहते हैं कि इनकी दुआ लगना बहुत ही अच्छी बात होती है और इनको हमने कुछ दिया था याद नहीं क्या दिया था लेकिन इसी में फ़ोटो खींच रहा मुझे तो खुद को नहीं पता कैसी फ़ोटो आ रही है इसकी ये गोगा जी का मैन मंदिर से हमने धोख लगा के और वापस आ गए यहाँ पे देख लीजिए आप करके दिखाते हैं ये मेन द्वार है गाइस अभी मैं मेन मंदिर के दर्शन करके आए थे ये आपको ये अभी ये जो खाली जगह पड़ी है पूरी भर जाती है भीड़ रहती है बहुत ज्यादा जब मेले का टाइम होता है गाइस देखो कैमल सवारी लोग यहाँ पे रूट पर चढ़ के सवारी भी करते हैं ये नज़ारे देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पे जहाज हैं आप देख सकते हो अभी तो पूरा खुला पड़ा है जिस टाइम में मेले का टाइम होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे
निकल जाओ गाड़ी। ये इधर कोई ये सिस्टम इधर सर ये अलग सिस्टम है, पूरा दृश्य है यहाँ देख सकते हो। ये देखिए इतना देखिए पूरा मंदिर के आप पूरे दर्शन कर सकते हो। फोटो के चक्कर में दूसरों को फोटो भी खींच रहा है, फोटो का इतना ज्यादा शौक है कोई हद ही नहीं है। इन क्या में दिया भाई जी फोटो कौन खींचनी है इन्हें उसमें थोड़ी खींच के छोड़ दे वो तू आ जा। मार्केट काफी मोटो है यार। आज तो पापा का नंबर ले रहा है तो दिन को आना हो गया वहां आ गया तो पापा नंबर दे यार गया हमने आज पिया रबड़ी शेक। रबड़ी शेक पीने के बाद में हम गोगा मेडी से धोक मार के चले गए। ओ गोगा मेडी मंदिर में मतलब यहाँ दूर बनाने लग रही हूँ अंदर को अंदर है अटे अंदर है गोगा मेडी के मेन मंदिर के माँ मेडी के अंदर है मैं नरेश भैया आगे जाने लग रही हूँ मैं पीछे पीछे हूँ। तो बहुत ही शानदार मंदिर है और नौ रूम लगभग 30 किलोमीटर पर है, बहुत शानदार मंदिर है। कभी भी आना हुआ तो ज़रूर देख के जाया था मंदिर में। और धो लगानी बहुत ज़रूरी है, मेन धाम है, मेन धाम है गोगा जी की एकदम बहुत ही शानदार धाम है। आज मतलब है मेलो है मेन मेलो है नहीं भी नहीं, मतलब है लाइन लग है और हटकर बंदा एंट्री करे और सामने देखने लग रहा हूँ अड़ कर एंट्री करे अभी मेन जब मेलो है तो भटकर एंट्री करा है हटकर यहाँ हो गया बाद में ही वहाँ एंट्री करे वो मंदिर है वो बैक साइड है मंदिर को। ओ है गोगाणो है नी गुरु गोरखनाथ जी को टिल्लो ये तो खतरनाक है यार देखो बहुत ही बढ़िया शेप है इनके। Come on.